आप देख रहे हैं स्पीक्स। पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 8 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। लाहौर कलंदर ने टूर्नामेंट जीता, थ्रू आउट द सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म किया लाहौर कलंदर की टीम ने। दे आर ट्रूली डिजर्विंग चैंपियन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8। लेकिन अवार्ड्स भी दिए गए, ऑब्वियसली बात है, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया और उन्हें रिकॉग्नाइज भी किया गया। अगर हम अवार्ड्स की तरफ जाके बारी बारी बात करना शुरू करें तो सबसे पहले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया एहसानुल्लाह को। ऐसा देखें, अगर पीएसएल के सीजन 8 को एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए तो वो एहसानुल्लाह है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने जैसा अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से बैट्समैन को हिला के रखा, किसी बैट्समैन को उन्होंने अपने सामने टिकने का मौका नहीं दिया। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, उन्होंने 22 विकेट ली, एक मैच में 5 विकेट ली भी कोटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट। एंड देन उसके बाद उन्हें बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड दिया गया। दो अवार्ड जीतने में कामयाब हुए एहसानुल्लाह, यानी पीएसएल सीजन 8 का मेला तो बिल्कुल उन्होंने लूट लिया है। देन बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट ये हनी मोहम्मद साहब के नाम से ट्रॉफी जी जाती है। हनी मोहम्मद साहब पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के बड़े लेजेंड है। अर्ली 50s में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम नई टेस्ट स्टेटस मिला था, एंड देन पाकिस्तान की अर्ली फतूहत में बहुत ज्यादा उनका रोल था। एंड देन उसके बाद एक मशहूर जमाना टेस्ट जो वेस्ट इंडीज में खेला गया था, जहां उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के पहले प्लेयर बने जो ट्रिपल सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए थे, उनके एजाज में कैप रिकॉग्नाइज की गई और बाद में बैट भी दिया जाता है एक फाइनल में। लेकिन स्पेशली थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो प्लेयर हाईएस्ट रन स्कोर करता है उसको कैप दी जाती है। एंड देन तो मोहम्मद रिजवान ने ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए, कंसेक्टिवली जीतने में कामयाब हुए। लास्ट सीजन भी ये ट्रॉफी उनके पास थी, इस बार भी उन्होंने 550 रन स्कोर किए। पिछले 3 सीजन से वो 500 रन बनाने में कामयाब हो रहे हैं। रिकॉर्ड है ये पीएसएल की तारीख का कि कोई प्लेयर 3 मरतबा 500 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब हुआ है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड भी उन्होंने जीता, सुपरमैन है विकेट कीपिंग में। तो आई थिंक इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान से बेहतर विकेट कीपर तो मैं सुपरमैन कहने लगा था, बट वो जिस तरह कैचिंग करते हैं, जिस तरह डाइव मारते हैं, वो वाकई सुपरमैन लगते हैं सीरियसली। एंड देन बहुत ज्यादा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। एंड देन इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी मुल्तान सुल्तान के ही पास गया। बास अफरीदी ये रिकॉर्ड एजाज जीतने में कामयाब हुए, 23 विकेटें उन्होंने लेकर यह एजाज अपने नाम किया। देखें बट आई एम टू मच एस्टोनिश्ड कि वाय वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, पाकिस्तान में भी नहीं सिलेक्ट हुए और शाहीन की टीम में भी नहीं सिलेक्ट हुए। बड़ा अजीब सा वाक्य हुआ है। उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शन कमेटी इसका जवाब जल्द ही देगी आगे। एंड देन उसके बाद बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड दिया गया इमाद वसीम को। इमाद वसीम की टीम तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन इमाद वसीम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अपनी टीम को बहुत आगे तक लेके जा सकते थे अगर प्लेयर उनके साथ देते, लेकिन वो इतने हारे हुए लश्कर जीते हुए सिपाही थे, लेकिन खुद अच्छा परफॉर्म किया। वो पाकिस्तान टीम में भी आ चुके हैं। बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया गया मुल्तान सुल्तान के ही कैरन पोलार्ड को। देखें अवार्ड तो सारी मुल्तान सुल्तान ले उड़ी है, बेस्ट कीपर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मर्चिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैटर, यानी सारे अवार्ड इनके पास है। एक इमाद वसीम ने एक और अवार्ड जीता है ऑलराउंडर का, उनके पास गया, बाकी सारे अवार्ड इनके पास है। और रिजवान ने यह भी बोला ना कि अगर ये सारी ट्रॉफीज ले लें और एक हमें ट्रॉफी दे दें वो चैंपियन की, खैर दिल के हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। बट नो डाउट पीएसएल का सीजन 8 बहुत ज्यादा चार्मिंग रहा। आई थिंक पीएसएल का सीजन 8 अब तक जितने सीजन हुए सब सो व्यूअर्स, पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 8 बहुत ज्यादा एस्टॉनिशिंग रहा, बहुत ज्यादा मजे की क्रिकेट हुई। आई थिंक जितने भी पीएसएल के सीजन हुए सबसे बेहतर सीजन अगर कोई रहा है तो वो ये पीएसएल सीजन 8 है। क्रिकेटिंग वाइज, कंपटीशन वाइज बहुत अच्छे मैचेस हुए। एंड एज फार एज मी इज कंसर्न, देखिए शुरू से एक ड्रीम था कि एक इवेंट पूरा कवर करना है, बहुत ज्यादा माइंड में भी था कि करना है, लेकिन हर बार कोई ना कोई खच बच जाती थी। एक तो नसीब कुछ ऐसे है ना, ऐसी जगह फंस गए हैं जहां शायद एडमिशन के वक्त एफटीपी देख लेते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जब कोई मेन इवेंट आता है ना कोई ना कोई खच मार देते हैं। ठीक है, मुझे याद है 2021 में T20 वर्ल्ड कप होना, वो सोचा कवर करेंगे तब एग्जाम शुरू हो गए। अगर पिछले साल एंड देन उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप खेला गया, सॉरी एशिया कप खेला गया, तब मिड के एग्जाम शुरू हो गए। देन लास्ट ईयर ही जब T20 वर्ल्ड कप खेला गया तब फाइनल एग्जाम शुरू हो गए। इस बार जी माशाल्लाह मैंने एक और रिकॉर्ड बना लिया, अपने नाम कर लिया, पहली बार जिंदगी में कारनामा सर अंजाम दिया था कि इस बार पीएसएल आ रही थी तो मैं दो सकियां लेके बैठ गया। तो फिर बहुत ज्यादा लास्ट मंथ आई थिंक वन ऑफ द बिजिएस्ट मंथ आई फेस इन माय लाइफ, देखें बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा एंजॉयबल था। क्रिकेट तो पैशन है, हम इसके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा ऑब्वियसली दो सप्लियां भी और फिर हो भी कॉलेज की ड्रगें पढ़ पढ़ के और फिर क्रिकेट पढ़ पढ़ के ना
आगे घूम जाता था, लेकिन खैर बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा, बहुत ज्यादा सपोर्ट आप लोगों ने मेरे लिए शो किया, आई एम रियली ग्रेटफुल, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। इंशाल्लाह आगे भी इसको ऐसे ही कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किस्मत कुछ माड़ी है ना, वो इस बार भी जब वर्ल्ड कप होगा तो तब फिर एग्जाम होंगे, लेकिन इंशाल्लाह तब तक हम कहीं और होंगे। तब तक अल्लाह के बाद दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।